शंभू बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टरों का कब्जा, ट्रक यूनियन बहाली की मांग, चार दिन से अंबाला राजपुरा हाईवे किया हुआ है जाम। हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर पर पंजाब की ट्रक यूनियन पिछले चार दिन से धरने पर डटी हुई है। ट्रांसपोर्टरों ने शंभू में अंबाला राजपुरा हाईवे पर ट्रक खड़े करके अनिश्चितकालीन जाम लगाया हुआ है, जिसकी वजह से भारी संख्या में ट्रक अंबाला में फंसे हुए हैं। जाम पंजाब सरकार द्वारा ट्रक यूनियन भंग किए जाने के विरोध पर किया गया है। आखिर जाम कब तक खुलेगा, इसके अभी कोई आसार नहीं है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के चलते हरियाणा पंजाब में आवाजाही करने वाले लोगों के लिए काफी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक पंजाब के घनौर से विधायक गुरलाल, राजपुरा SDM डॉक्टर संजीव कुमार, DSP घनौर रघुबीर सिंह ने ट्रांसपोर्टरों से मीटिंग की है, लेकिन ट्रांसपोर्टरों ट्रक यूनियन की बहाली की मांग पर अड़े हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जब तक सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उधर भारी संख्या में ट्रक जाम में फंसे हुए हैं, ड्राइवर खुद खाना बना रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि लंबे समय से गाड़ियां यहीं खड़ी हैं, ना तो खाने पीने का इंतजाम है और ना ही अभी जाम खुलने के आसार दिखाई दे रही हैं। अंबाला पुलिस द्वारा रूट डाइवर्ट किए गए हैं। दिल्ली से पंजाब जाने वाले वाहन चालकों की मटहेड़ी से गन्नौर राजपुरा के रास्ते भेजा जा रहा है। इसके अलावा बलदेव नगर से सरसीणी वार्ड तिवाड़ा होते हुए शंभू बॉर्डर से आगे पंजाब भेजा जा रहा है। साथ ही जग्गी सिटी सेंटर से अमृतसर की तरफ जाने वाले रूट डाइवर्ट कर चंडीगढ़ हाईवे पर शिफ्ट किया गया है। उधर पंजाब में राजपुरा से पटियाला और बनूर से लाडू की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।